उसमें सबसे बड़ा क्या है, कैंपस में जो अराजकता का माहौल है, वोट लेने के नाम पे जो कैंपस में दारू शराब और अन्य सुविधाओं को एबीवीपी सहित अन्य पार्टियां प्रोवाइड कर रही है, छात्र हित में कहीं से भी सही नहीं है। एनएसयूआई आज ये डिमांड करती है, आज हम शाम को पुलिस कमिश्नर को भी मिलने जा रहे हैं और कल जो सिक्योरिटी रीजंस हैं उसको पूर्ण चाक चौबंद रहना चाहिए। इस पे पुलिस डिपार्टमेंट और जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, ये हम डिमांड करते हैं। इसके साथ एनएसयूआई का कुछ डिमांड्स थे जिसको हम आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। पहला हमारा मुख्य मुद्दा है कि रांची यूनिवर्सिटी हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हो, उसमें जो कैंटीन्स हैं उसमें सब्सिडाइज खाना मिलना चाहिए। इस पे कोई भी बोल सकता है सब्सिडाइज खाना कहाँ से प्रोवाइड होगा। मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी को जो फंड गवर्नमेंट के तरफ से मिल रहा है, यूजीसी के तरफ से मिल रहा है, उस फंड को उपयोग करके जो स्टूडेंट से पैसे वसूले जा रहे हैं उस फंड को यूटिलाइज किया जाए और कैंटीन में बाहर से जो बच्चे आते हैं या दोपहर में जो लंच ब्रेक और जो कुछ भी है उनको सब्सिडाइज फूड 10 रुपीज में थाली मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बेस्ट एग्जाम्पल तमिलनाडु और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कर चुकी है। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन और कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन करके खाना मिल रहा है, जो कि दिल्ली में भी हमारा डिमांड था और उसको हम पूरा करने का पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में उनको फ्री लैपटॉप्स मिलना चाहिए, ये हमारा डिमांड पूरे देश में है और वही डिमांड्स को हम इस रांची यूनिवर्सिटी और श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में भी करना चाहते हैं।